हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं पेरियोडोंटल पॉकेट जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में पेरियोडोंटल पॉकेट चलो सीखते हैं पेरियोडोंटल पॉकेट को तो सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो पेरियोडोंटल पॉकेट इज डिफाइंड एज अ पैथोलॉजिकली डिपेंड जेंजाइवल सल्कस यहाँ पे पैथोलॉजिकली है क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया हो रहा है यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाता है तो पैथोलॉजिकली डीपनड जिनजावल सल्कस ठीक है तो यहाँ पे जिनजैवल सल्कस जो है हमारा है, वो डीप हो रहा है ठीक है उसी को पेरिडोंटल पॉकेट बोलते हैं अब डीपनिंग ऑफ द जिंजावल सल्कस में अकर बाय द कोरोनल मूवमेंट ऑफ द जिंजाइवल मार्जिन देखो या तो डीपन मार्जिन जो है हमारा ये जिंजावा का जो मार्जिन है या तो वो कोरोनली मूव होगा तब जाके ये सल्कस डीपन हो जाएगा या फिर अपाइकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जिंजावल अटैचमेंट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अब या फिर ही जाएगा या तो वो ऊपर जा रहा है यहाँ पे या फिर अपाइकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जंजावल अटैचमेंट का तब जाके ये पॉकेट बन रहा है या तो कोरोनली जाएगा या तो अपाइकली जाएगा तो दोनों में क्या बन रहा है डीपनिंग हो रहा है जिंजावल सल्कस डिपेंड हो रहा है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ तो ऐसे बनता है जिंजावल पॉकेट हमारा उसी को बोलते हैं पेरियोडोंटल पॉकेट ठीक है डेफिनेशन क्लियर हो गया आप लोग को तो ये पैथोलॉजिकली डीपन जिंजावल सल्कस है ठीक है ना नाउ अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ दी पॉकेट की अगर बात करें तो ये जो पॉकेट है उस वो जिजावल पॉकेट होता है और पेरियोडोंटल पॉकेट होता है एक तो जेंजावल पॉकेट होता है दूसरा पेरियोडोंटल पॉकेट होता है ठीक है ना अब पेरियोडोंटल पॉकेट में आता है बोनी पॉकेट और एक इन्फ्रा बोनी पॉकेट वन बाय वन हम अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में तो पढ़ते हैं सबसे पहले देखो डिफरेंस जान लो कि जिनजैवल पॉकेट में क्या डिफरेंस है और पेरियोडोंटल पॉकेट में क्या डिफरेंस है ठीक है तो जिंजावल पॉकेट किसे बोलते हैं ऑल्सो नोन एज स्यूडो पॉकेट या फिर रिलेटिव पॉकेट या फिर फॉल्स पॉकेट ठीक है तो जिंजावल पॉकेट को क्या क्या बोला जाता है स्यूडो पॉकेट रिलेटिव पॉकेट या फिर फॉल्स पॉकेट और वहीं अगर पेरिडोंटल पॉकेट की बात करें तो ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट और ट्रू पॉकेट बोला जाता है ठीक है ना अब जिंजावल पॉकेट है तो जिंजावा तो सीन इन दी जिंजावाइटिस इनफ्लामेशन ऑफ जिंजावा की वजह से जिंजावल पॉकेट बन रहा है पर अगर पेरियोडोंटल पॉकेट की बात करें तो पेरियोडोंटाइटिस से इंफ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू की वजह से पेरियोडोंटल पॉकेट बन रहा है जिंजावल पॉकेट जो है फॉर्म्ड बाय जिंजावल एनलार्जमेंट देखो जिंजावल पॉकेट बनता है जिंजावल के एनलार्जमेंट से ठीक है एक्चुअल में ये पॉकेट नहीं है जिंजावल बढ़ जाता है एनलार्ज हो जाता है तो उसे पॉकेट बन जाता है वहाँ पे तो इसलिए उसको सूडो पॉकेट बोला गया पर पेरोडोंटल पॉकेट जो है अकर विद डिस्ट्रक्शन ऑफ दि सपोर्टिंग पेरेडोंटल टिश्यूज पेरीडोंटल टिशूजेज जैसे कि आपका बोन हो गया सीमेंटम हो गया फाइबर्स हो गया पेरोल फाइबर्स उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से पॉकेट बन रहा है या फिर लूजनिंग एंड एक्सफोलिएशन ऑफ द टूथ की वजह से ठीक है ना अब जिंजावल पॉकेट जो है द सल्कस इज डीपन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज बल्क ऑफ जिंजावा जो मैंने बताया था एनलार्जमेंट हो रहा है जिंजावा का तो जिस वजह से पॉकेट फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है ना Now, अब देखो टू टाइप्स ऑफ पेरोडोटल पॉकेट होते हैं एक तो सुपरा बोनी पॉकेट हो गया एक इन्फ्रा बोनी पॉकेट हो गया ठीक है ना सुपराबोनी पॉकेट का मतलब ये जो पॉकेट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे वो देखो एलव्यूल क्रेस्ट है ना ये ये हमारा एलवल बोन है इसका ये क्रेस्ट हो गया तो क्रेस्ट के अगर ऊपर रहेगा ये पॉकेट तो उसे सुप्रा बोनी पॉकेट बोलेंगे अगर ये क्रेस्ट के ये क्रेस्ट देख रहे हो ना क्रेस्ट के नीचे अगर रहेगा इसका बेस पॉकेट का तो उसे इन्फ्रा बोनी पॉकेट बोलेंगे क्लियर समझ में आया ये आपको वेरी सिंपल ठीक है ना नाउ देखो अब पढ़ते हैं डिफरेंस सुप्रा बोनी पॉकेट में क्या डिफरेंस है इन्फ्रा बोनी पॉकेट में क्या डिफरेंस है देखो सुप्रा बोनी पॉकेट को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज सुप्रा क्रिस्टल और सुप्रा एल्व्यूलर पॉकेट क्रिस्टल क्रेस्ट है ना ये ये क्रेस्ट है क्रेस्ट के ऊपर अगर रहेगा तो सुपरा बोनी पॉकेट ऑल्सो नोन है नाम जरूरी है याद रखना बिकॉज अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा सुपरा बोनी पॉकेट ना पूछ के आपको पूछ लिया सुपरा क्रेस्टल तब कंफ्यूज मत होना ठीक है एक ही चीज है ये सुपरा बोनी पॉकेट या फिर सुपरा क्रिस्टल या फिर सुपरा एलवेला पॉकेट एक ही चीज है अब इंफ्रा पॉकेट का दूसरा नाम क्या है सब क्रेस्टल क्रेस्ट के नीचे है ना क्रेस्ट ऑफ दी दुलर बोन के नीचे है ना तो सब क्रेस्टल सिंपल या फिर इंट्रा एल्वियोलर समझ में आया देखो बॉटम ऑफ दी पॉकेट इज कोरोनल टू अंडरलाइंग एलव्यूलर बोन इसका जो ये देखो जो इसका बॉटम है ये जो बॉटम है ना पॉकेट का ये क्रेस्ट के ऊपर है ना तो सुपरा बोनी पॉकेट हुआ तो वही बोल रहा है यहां पे बॉटम ऑफ पॉकेट इज कोरोनल टू दंडरलाइंग बोन अब वहीं पे इंफ्रा बोनी पॉकेट की अगर बात करें तो बॉटम ऑफ पॉकेट इज अपाइकल टू क्रेस्ट ऑफ बोन अपाइकल है ना क्रेस्ट ऑफ बोन ये रहा उसके नीचे है ना यहां पे देखो दिख रहा है ना नीचे है नाउ सुपराबोनी पॉकेट में लेटरल वॉल कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एलोन और इन्फ्राबोनी पॉकेट में लेटरल वॉल कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू और बोन देखो मान लो ये लेटरल वॉल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ तो पॉकेट के चारों ओर जो लेटरल वॉल्स हैं यहाँ पे तो सिर्फ टिश्यू ही है ना बट इन्फ्राबोनी पॉकेट में लेटरल वॉल्स में टिश्यू भी है और बोन भी है तो इसी वजह से बोल रहा है यहाँ पे देखो बोल रहा है लेटरल वॉल कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू और बोन भी है साथ में अब सुपराबोनी पॉकेट में जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है बोन का वो हॉरिजोंटल हो रहा है वहीं अगर इन्फ्रा बोनी पॉकेट की बात की जाए तो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन इज वर्टिकल तो इन्फ्रा बोनी पॉकेट में जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन हो रहा है वो वर्टिकल हो रहा है और यहाँ हॉरिजॉन्टल हो रहा है देखो ये एम याद रखना मैं अभी बता रहा हूँ आपको पूछा जाएगा ये कि आपको इंफ्राबोनी पॉकेट में कैसा बोन डिस्ट्रक्शन होता है तो सीधा याद रखना वर्टिकल और सुपराबोनी पॉकेट में कैसा डिस्ट्रक्शन होता है तो हॉरिजॉन्टल इन्फ्राबोनी पॉकेट में वर्टिकल सुप्राबोनी पॉकेट में हॉरिजॉन्टल क्लियर हो गया नाउ, इंटरप्रोक्सिमली ट्रांससेप्टल फाइबर्स अरेंज हॉरीजोंटल हैं अगर इंटरप्रोक्सिमली में अगर ट्रांसप्टल फ़ाइबर्स का अरेंजमेंट देखोगे तो सुप्राबोनी पॉकेट में हॉरीजोंटली होगा बट इंफ्राबोनी पॉकेट में इंटरप्रोक्सिमल ट्रांसेप्टल फ़ाइबर अरेंज इन ऑबलिक डायरेक्शन ये फिर एक एम सी क्यू याद रखना ये दोनों एम सी क्यू हैं कि सुपरा पॉकेट में ट्रांसेप्टल फाइबर्स कैसे अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टली और इन्फ्रा पॉकेट में कैसे अरेंज होते हैं ऑब्लिक याद रखना ये ठीक है नाउ अब दूसरा क्लासिफिकेशन की अगर बात करें क्लासिफिकेशन टू इसको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू दी इन्वॉल्व टूथ सर्फेस ठीक है इन्वॉल्व टूथ सर्फेस टूथ सर्फेस कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया राइट तो इसमें आता है सिंपल पॉकेट कंपाउंड पॉकेट और कॉम्प्लेक्स और स्पाइरल पॉकेट सिंपल पॉकेट किसे बोलेंगे इन्वॉल्व ओनली वन सरफेस ऑफ टूथ। अगर एक ही सरफेस इन्वॉल्व होगा उसे सिंपल पॉकेट बोलेंगे देखो फिगर में समझाता हूं अगर एक सरफेस इन्वॉल्व मान लो बकल सर्फेस इन्वॉल्व है या फिर मीजियल सर्फेस एक ही सर्फेस इन्वॉल्व है तो ये सिंपल पॉकेट हो गया ठीक है उसके बाद कंपाउंड पॉकेट मतलब इन्वॉल्व मोर देन वन सरफेस एक से ज्यादा सरफेस कंपाउंड पॉकेट कहलाएंगे ये देखो जैसे मान लो ये बकल सरफेस हो गया और ये हो गया मिजियल सरफेस तो बकल और मिजियल सरफेस दोनों इन्वॉल्व हो गया ना तो ये कंपाउंड पॉकेट हो गया ठीक है ना अब कॉम्प्लेक्स और स्पाइरल पॉकेट किसे बोलेंगे ओरिजिनेटिंग ऑन वन टूथ से शुरू होगा एंड ट्विस्टिंग अराउंड दी सॉरी ट्विस्टिंग अराउंड दी टूथ इन्वॉल्व वन और मोर एडिशनल सर्फेसेस को इन्वॉल्व हुआ देखो समझो यहाँ पे पहले एक सर्फेस से शुरुआत हुई दूसरे सर्फेस में स्पायरल होके घूम के ये दूसरे सर्फेस में भी चला गया तो स्पायरली हुआ ना ये यहां से घूम के दूसरे सर्फेस में भी चला गया एक सर्फेस से शुरू हुआ दूसरे सर्फेस तीसरे सर्फेस तो ये तो ये कॉम्प्लेक्स हुआ ठीक है तो इसी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स और स्पायरल पॉकेट कहा जाता है ठीक है ना समझ में आया नाउ पैथोजेनेसिस ऑफ द पॉकेट फॉर्मेशन तब से हम लोग पॉकेट पॉकेट कर रहे हैं तो पॉकेट बन कैसे रहा है वो हमें पता होना चाहिए ना कैसे फॉर्मेशन हो रहा है पॉकेट का तो समझो पहले इसको एक कहानी की तरह समझो सबसे पहले हमारे टूथ पे प्लाग एक्यूमलेट हुआ प्लाग में बैक्टीरिया आया ठीक है तो प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल प्लाग ऑन द टूथ सरफेस देखो कहानी शुरुआत होती है प्लाग से सबसे पहले प्लाग एक्यूमलेट हुआ उस पर बैक्टीरिया आया ठीक है बैक्टीरिया क्या करेगा हमारे मसूडों को जिंजाइवा को क्या करेगा इन्फ्लेम कर देगा तो मार्जिनल जिंजावा बिकम इन्फ्लेम तो मार्जिन जिंजैवा अभी इन्फ्लेम्ड हो गए ठीक है उसके बाद इन्फ्लामेशन के बाद क्या होता है इन्फ्लामेशन में इडिमा होता है ना इडिमा मतलब जिंजाइवा जैसे इन्फ्लेम्ड होगा वो सूजन आ जाएगी या फिर वो बढ़ने लग जाएगा तो जिंजावल सल्कस डीपन ड्यू टू इडीमैथर्स एनलार्जमेंट ऑफ जंजाइवा जंजैवा बढ़ने लग गया जिसकी वजह से जो सल्कस है वो डीप होने लग गया ठीक है

और प्लांक एक्यूमलेट करेंगे ठीक है उसके बाद क्या होगा अब हमारा टिश्यू भी तो कुछ करेगा ना तो हमारा टिश्यू क्या करेगा लार्ज नंबर ऑफ पी एम एन और मैक्रोफेजेस माइग्रेट टू जिंजावल टिश्यू इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल चैलेंजेस अब ये ल्यूकोसाइट क्या करेगा और माइक्रोफेज़ क्या करेगा बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जाएगा जंजावल सरफेस पे मार्जिनस पे ठीक है और ये जब लड़ेंगे तो क्या करेंगे ये दोनों कॉलाजन को लॉस करेंगे जो कॉलाजन फाइबर्स है उसको तोड़ेंगे तो दो मेकेनिज़्म से कोलाजन टूटता है एक तो लाइजोजोमल एनजाइम होता है हमारा जिसे बोलते हैं कॉलाजिनेस वो तोड़ता है ठीक है वो कहाँ से निकलता है रिलीज बाय पीएमएन एम ल्यूकोसाइड से निकलता है एंड डिस्ट्रक्शन एक्सटेंडिंग होता है और कोलाजन फाइबर्स ऑफ द जिंजावर कनेक्टेड टिश्यू टूट जाते हैं ठीक है दूसरा तरीका है फाइब्रोब्लास्ट फेगोसाइटोज कोलाजन फाइबर बाय साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस टू लिगामेंट सीमेंटम इंटरफेस तो फाइब्रोब्लास्ट फेगोसाइटोज क्या करता है कोलाजन फाइबर को तोड़ता है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जब बना के मैं समझाऊंगा इसको डिटेल में अभी अब देखो अब इसमें वेन द कोलाजन फाइबर्स अपाइकल टू जंक्शनल एपिथीलियम गेट डिस्ट्रॉयड मतलब ये देखो जैसे ये अपाइकल जंक्शनल एपिथिलियम हो गया यहाँ पे ये एपिथिलियम है ठीक है और इसके कनेक्टिव टिश्यू ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू में कॉलाजन फाइबर्स होंगे तो ये कॉलाजन फाइबर जो जंक्शनल एपिथीलियम पे अगर वो डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या होगा एपीथिलियल सेल प्रोलिफरेट अलॉन्ग द रूट सर्फेस अपाइकल डायरेक्शन अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद हेल्दी कोलाजन फाइबर देखो कोलाजन फाइबर टूटेंगे एपिथिलियम नीचे आता जाएगा कोलाजन फाइबर और टूटेंगे वो और नीचे आता जाएगा बट जब तक ही नीचे आएगा जब तक उसको हेल्दी कोलाजन फाइबर ना मिल जाए अगर हेल्दी कोलाजन फाइबर मिलेगा तो एपीथिलियम भी नहीं टूटेगा नीचे भी नहीं आएगा वहीं रुक जाएगा ठीक है अब देखो उसी टाइम पे अब एट द सेम टाइम कोरोनल पोर्शन ऑफ जंक्शन एपिथिलियम का डीअैच फ्रॉम द टूथ सर्फेस अब जो देखो ये तो नीचे आ रहा था यहाँ पे अपाइकल वाला अब कोरोनल पोर्शन जो ऊपर है वो भी डीअटैच हो रहा है ठीक है टूथ सरफेस से अब ये पूरा अलग हो जाएगा यहाँ से तो कोरोनल पोर्शन ऑफ जंक्शन एपीथीलियम गेट अटैच फ्रॉम डी टूथ सरफेस पहले तो नीचे वाला एरिया आ, हो रहा था अब कोरोनल पोर्शन ऊपर वाला एरिया जो जंक्शन एपीथीलियम का है वो भी निकलना शुरू हो जाएगा अलग होना शुरू हो जाएगा ठीक है इतना समझा आपने उसके बाद अलग होने की वजह से क्या होगा अब पी एम एन सेल्स जो है हमारे माइग्रेट करेंगे टूअर्ड कोरोनल पोर्शन ऑफ द जंक्शन एपीथीरियम जंक्शन एपिथीरियम के ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे जैसे ही वो ऊपर जाएंगे अगर वो जमा हो रहे हो रहे हो रहे तो पी एम एन ल्यूकोसाइड एट दरोनल पोर्शन ऑफ जंक्शन एपिथीरियम एक्सीड सिक्सटी परसेंट अगर वो सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स तो एपिथिलियम अपने आप सेपरेट हो जाएगा टूथ सरफेस से और पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉकेट का फॉर्मेशन हो गया तो ऐसे पॉकेट का फॉर्मेशन होता है ये ठीक है अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करेंगे तो क्लिनिकल फीचर्स में कैसा दिखेगा आपको ब्लूइश रेड डिसकलरेशन ऑफ जिंजावल वॉल ऑफ द पॉकेट तो जिंजावल वॉल ऑफ द पॉकेट कैसा दिखेगा ब्लूइश रेड दिखेगा मैं बताऊंगा ये क्यों दिख रहा है अभी बताऊंगा इसके नेक्स्ट uh, स्लाइड uh, में तो इसका जंजाइव फ्लेसिडिटी होगा फ्लेसिड हो जाएगा स्मूद और शाइनी सरफेस दिखेंगे आपको पिटिंग ऑन प्रेशर जब प्रेशर डालोगे तो पिटिंग दिखेगा वहाँ पे ये क्यों हो रहा है ये ब्लूइश कलर क्यों दिख रहा है पता है ड्यू टू तो सर्कुलेटरी स्टैगनेशन ब्लड का स्टैगनेशन हो गया इसी वजह से ड्यू टू तो डिस्ट्रक्शन ऑफ जिंजाइवल फाइबर जिंजाइवल फाइबर टूट गया एट्रोफ़ी हो गया एपिथीलियम का एडिमा हो गया ड्यू टू इडीमा और डी होने की वजह से ये आपको ऐसा दिख रहा है ठीक है अब कभी कभी इसमें जो जिंजावल वॉल होगा वो पिंक होगा फॉर्म होगा और प्रोबिंग ऑन ब्लीडिंग जैसे ही आप ब्लीडिंग करोगे ना सॉरी ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग जैसे ही आप प्रोबिंग करोगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी प्रोबिंग इज़ जनरली पेनफुल होता है यहाँ पे ठीक है ना इन्फ्लामेशन है तो आपको ज़ाहिर सी बात है पेन होगा हो ही होगा पस मे बी प्रेजेंट जिसमें पस भी एक्यूमुलेट हो जाता है नाउ अदर क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो जो मार्जिन होते हैं वो थिक एंड हो जाते हैं अब लॉस हो जाता है स्ट्रिपलिंग का लॉस हो जाता है क्योंकि स्ट्रिपलिंग कहाँ प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल जंजाइम में प्रेजेंट होते हैं यहाँ तो इन्फ्लामेशन है तो स्ट्रिपलिंग होगा नहीं और टूथ मोबिलिटी हो जाती है क्यों मोबिलिटी हो जाती है क्योंकि देखो सपोर्टिंग टिश्यू जो है वो बोन हो गया पीडियल uh, फाइबर्स हो गया उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो दांत तो हिलेंगे ही, ही ना और डाइस्टीमा फॉर्मेशन हो रहा है डाइस्टीमा क्यों हो रहा है क्योंकि जब बोन सपोर्टिंग बोन हट रहे हैं तो मूव टूथ का मूवमेंट होगा टूथ का मूवमेंट होगा तो अलग अलग जाएंगे दांत इसलिए डाइस्टीमा फॉर्मेशन हो जाता है तो uh, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको ट्रीटमेंट पूरा समझाऊँगा अलग से अभी के लिए इतना ही और जिसको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करो मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा थैंक यू सो मच